जुबी, ढंग से सलाम तो करो आंटी को। ओह आई एम सो सॉरी, अस्सलाम वालेकुम आंटी, वो मैं जल्दी में जा रही थी तो आपको देखा नहीं। अरे कोई बात नहीं, ये बेध्यानी तो आजकल के बच्चों की आदत बन चुकी है। वैसे समीना, माशाल्लाह तुम्हारी बेटी तो पहले से भी ज़्यादा निखर गई। जी माशाल्लाह। अच्छा अम्मी, मैं चेंज करके आती हूँ जल्दी से। किसका फ़ोन है? टाइम में वो मेरी एक फ्रेंड है, वो बार बार मुझसे नोट्स मांग रही है, उसके नोट्स मेरे पास रह गए थे तो कॉल करी जा रही है। अच्छा जाओ, उसे तसल्ली करा दो। लड़कियों को बढ़ते देरी कितनी लगती है, रिश्ते तो आते होंगे। किसकी बात कर रही हैं, जुबी के लिए? भाई और क्या, रोशना की तो शादी हो गई है ना, जल्दी किस बात की, अभी तो पढ़ाई कर रही है। अगर अच्छा रिश्ता मिल जाए ना तो कर देना चाहिए, पढ़ाई तो बाद में भी हो सकती। शादी जिम्मेदारी का दूसरा नाम है, अब वो पढ़ाई करे या ससुराल की जिम्मेदारी संभाले, जब वक्त आएगा तो देखा जाएगा। खैर अपनी सुनाइए, आपने बच्चों की शादियां कर दी है? जी बस एक बेटी और बेटा रह गए, सोच रही हूँ 2-4 महीने तक दोनों की साथ ही शादी कर दूंगी। अच्छा तो रिश्ते देख लिए? बस आजकल देख रही हूँ। क्या यार तुम मुझे क्यों बार बार कॉल कर रहे हो? तुम इधर घर नहीं पहुंचे? प्रैक्टिकल था, लेट हो गई। तो मुझे कमरे में तो आने दो यार, बार बार कॉल करके तंग कर रहे हो। सुबह क्या हुआ था? बख्शू चाचा यार, मैं क्या करूंगा, मुझे गेट तक छोड़ने आ गए सुबह। बख्शू चाचा का भी कोई इलाज करना पड़ेगा। दानियाल भाई और रोशना घर आ चुके हैं और बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, और रोशना ने मुझे तुमसे बाहर मिलने से भी मना कर दिया। तुमने उसे बता दिया? नहीं, लेकिन उसको किसी तरह शक हो गया है। यार हम कौन सा रोज रोज मिलते, कभी कभार ही तो होता है। साइम हमें एहतियात करनी पड़ेगी। यार मैं तुमसे मिले बगैर नहीं रह सकता। पकड़े गए ना तो बहुत मार पड़ेगी। बात की बाद में देखी जाएगी, तुम इतना स्ट्रेस मत लो। अच्छा तो मुझे ये बताओ, तो मुझे कॉल क्यों कर रहे थे? इसलिए क्योंकि मैंने अपनी म्यूजिक वीडियो जो है ना वो सोशल मीडिया पर डाल दी थी और रिस्पांस बहुत अच्छा है। इट्स लाइक अमेजिंग, इट्स ब्लोइंग ऑफ राइट नाउ। रियली दैट्स अमेजिंग। मैं एक मिनट जाके देखती हूं, तो फोन बंद करो। ओके ओके बाय।